दोस्तों, आज मैं आपके लिए 2018 में रिलीज हुई एक अमेरिकन साइफाई थ्रिलर मूवी लाया हूं, जिसका नाम है द टाइटन। फिल्म में हमें 2048 का टाइम दिखाया गया है, जहां अटलांटिक ओशन के पास से गुजरते हुए कुछ गाड़ियां नेटो ऑपरेटिंग बेस में आती हैं, जिनमें से कार एक मेंशन के सामने रुकती है और एक लेडी तीन लोगों की फैमिली को उनका ये नया घर दिखाती है जहाँ वो लोग रहने वाले थे। उस फैमिली में फादर रिक, उसकी वाइफ डॉक्टर अबीगेल और उनका बेटा लुकास था। वो सब लोग उस लैविश मेंशन को देखकर सरप्राइज रह गए थे। देन वो लोग अपने प्राइवेट स्विमिंग पूल के सामने खड़े होते हैं, तो लुकास रिक से पूछता है कि वो कहाँ जा रहा है, जिस पर रिक उसे ऊपर आसमान की तरफ इशारा करके डायरेक्शन दिखाता है। देन हमें उस एरिया में बने इस तरह के बहुत से घर दिखाए जाते हैं, मतलब दूसरी गाड़ियों में आए लोगों को भी ऐसे ही घर मिले थे। अगली सुबह प्रोफेसर मार्टिन उनसे मिलने के लिए आता है। वो लोग उसे देखकर काफी खुश थे। रिक प्रोफेसर को थैंक्स भी करता है कि उसे इस एक्सपेरिमेंट के लिए सिलेक्ट किया गया, मगर प्रोफेसर मार्टिन उसे इस मिशन से जुड़े रिस्क के बारे में रिमाइंड करवाता है। एंड देन कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद प्रोफेसर वहां से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें नेटो कॉन्फ्रेंस दिखाई जाती है, जहां प्रोफेसर कुछ लोगों के ग्रुप को बता रहा था कि ईयर 2048 में अर्थ काफी ओवर पॉपुलेटेड हो जाएगी और यहां के सब रिसोर्सेज भी ऑलमोस्ट खत्म हो चुके होंगे, जिस वजह से लोग बचे हुए रिसोर्सेज के लिए लड़ेंगे और कंट्रीज के दरमियान वॉर स्टार्ट हो जाएगी। प्रोफेसर प्रिडिक्ट करता है कि अगले 10 साल तक हमारा आधा प्लेनेट रहने के काबिल नहीं रहेगा और 15 सालों तक दुनिया की आधी पॉपुलेशन भूखमरी से मरने लगेगी। वो बोलता है कि इंसानों का टाइम अब तेजी से खत्म होता जा रहा है और हमारी अगली नस्ल इस दुनिया का एंड देखेगी, लेकिन ये सब मानते हुए भी वो कहता है कि हमारे पास अभी भी एक उम्मीद बाकी है और वो है सैटर्न प्लेनेट का सबसे बड़ा मून टाइटन। अर्थ के बाद पूरे सोलर सिस्टम में सिर्फ टाइटन का ही एटमॉस्फेयर थोड़ा बहुत इस काबिल है कि इंसान वहां रह सके, लेकिन वहां भी इतनी आसानी से इंसान नहीं रह सकता क्योंकि वहां लिक्विड मीथेन की बारिश होती है, जिससे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन फैल जाता है और टेम्परेचर भी एक्सट्रीम लो रहता है। प्रोफेसर कहता है कि स्पेस साइंस के अकॉर्डिंग टाइटन इंसानों के रहने के काबिल नहीं है, मगर प्रोफेसर की अप्रोच इस कॉन्सेप्ट से थोड़ी अलग थी। वो मॉडर्न जेनेटिक्स को यूज करके लोगों को इस काबिल बनाना चाहता था कि वो प्लेनेट की नेचर को आसानी से अडॉप्ट कर सकें, क्योंकि इंसानों को बदलना पूरे प्लेनेट को बदलने से ज्यादा आसान था। सो इसलिए प्रोफेसर ने रिक की तरह के 13 और लोगों की एक टीम बनाई, जिन पर एक्सपेरिमेंट किए जाने थे ताकि वो टाइटन के एनवायरनमेंट को अडॉप्ट कर सके। वो क्लेम करता है कि उनकी बॉडी में थोड़ी सी चेंजिंग करने से ये लोग टाइटन की नाइट्रोजन में सांस लेने लगेंगे और वहाँ के एक्सट्रीम कोल्ड एनवायरनमेंट में भी रहने के काबिल हो जाएंगे। टीम के सब लोग इस एक्सपेरिमेंट से जुड़े रिस्क के बारे में जानते थे, मगर फिर भी वो फ्यूचर जनरेशन के भले के लिए अपनी जिंदगियों को खतरे में डालने के लिए तैयार थे। उनका मेन एम था कि वो टाइटन को ह्यूमंस का नया घर बना सकें। इस ग्रुप को स्पेशल टास्क के लिए 16 अलग अलग कंट्रीज के 5000 लोगों में से चुना गया था, क्योंकि इनमें सर्वाइव करने की एबिलिटी थी। टीम में से एक आदमी बोलता है कि ये एक्सपेरिमेंट फोर्स्ड एवोल्यूशन टाइप है और एंड पर हम में से कोई भी नहीं बचेगा, मगर बाकी सब कहते हैं कि उन्हें इस रिस्क का पता है। एंड देन मीटिंग के बाद उन लोगों को की कार्ड्स देकर लैब ले जाया जाता है, जहां डॉक्टर फ्रिया रिक को शॉट लगाते हुए बोलती है कि नेक्स्ट वीक में उन्हें तकरीबन 300 शॉट्स दिए जाएंगे। ये शॉट्स उन्हें ट्रेन करने के लिए दिए जा रहे थे ताकि वो एनर्जी के लिए ऑक्सीजन की जगह नाइट्रोजन को बर्न करें, क्योंकि टाइटन पर ऑक्सीजन लेवल सिर्फ 5% था, जो कि अर्थ से काफी कम है। उन सब 14 ग्रुप मेंबर्स और उनकी फैमिलीज को लैविश घर दिए गए थे एक दूसरे के पास पास ही। सो एबिगेल वीकेंड पर सबको अपने घर बारबेक्यू पार्टी में इनवाइट करती है, जहां सब लोग काफी एंजॉय करते हैं। वो काफी ज्यादा ड्रिंक भी कर रहे थे क्योंकि इसके बाद से उन्हें अल्कोहल पीना मना था। पार्टी के बाद अबीगेल को ड्रंक होने की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए रिक उसे रूम में ले जाने के लिए हेल्प करता है, मगर अचानक ही रिक को बहुत बुरी तरह खांसी आने लगती है और एबिगेल देखती है कि उसे बहुत तेज बुखार है, सो वो उसे मेडिसिन देकर बेड पर लिटा देती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सब लोगों को एक्सपेरिमेंट के लिए जितनी देर हो सके पानी के अंदर बिठाया जाता है, जिनमें से सबसे ज्यादा देर 31 मिनट तक रिक और टैली ही बैठ सके थे, और ये देखकर बाकी सब बाहर बहुत खुश और सरप्राइज थे कि उनके एक्सपेरिमेंट्स काम कर रहे हैं। मगर देन अचानक से 39th मिनट पर टैली सफोकेट करने लगी थी, इसलिए वो बाहर चली जाती है। अब रिक अकेला रह गया था और उसके वाइटल्स भी सडनली ड्रॉप होने लगे थे, जिस वजह से सब परेशान हो जाते हैं। तभी रिक तेजी से पूल में स्विमिंग करने लगता है, जिससे उसकी कंडीशन बेहतर हो गई थी। सब लोग चीयर्स करते हुए उसके लिए क्लैप करते हैं, क्योंकि वो 42 मिनट से अंडर वाटर था
उस रात रिक अपने बेटे लुकास को टाइटन की कंडीशंस के बारे में बताता है। वो ये सुनकर काफी एक्साइटेड हो गया था कि उसके डैड जल्द ही एक और प्लेनेट पर रहने जाने वाले हैं। उसके बाद रिक एबिगेल के साथ स्विमिंग करने जाता है तो वो नोटिस करती है कि उसकी बैक पर नर्व्स काफी प्रोमिनेंट हो रही थी। वो कहती है कि ये उन शॉर्ट्स का साइड इफेक्ट है और वो रिक के लिए काफी परेशान भी थी। गुजरते टाइम के साथ एबिगेल की एक और ग्रुप मेंबर की वाइफ रेन से दोस्ती हो गई थी। रेन उसे बताती है कि वो अपने हस्बैंड को यहाँ नहीं आने देना चाहती थी, मगर उसके हस्बैंड ने बात नहीं मानी। एंड देन उसी दिन रिक की सर्जरी होती है जो कि एक्सपेरिमेंट का हिस्सा थी। एबिगेल उन्हें मिली बुक पढ़ती है जिसमें रिक के साथ होने वाले सब प्रोसीजर्स के बारे में लिखा था और उसे ये देखकर तसल्ली होती है कि वो सब प्रोसीजर्स सेफ थे। देन रात को अचानक आँख खुलने पर एबिगेल देखती है कि रिक बेड पर नहीं है। किचन में जाकर चेक करने पर उसे रिक बैठा दिखाई देता है जो अपनी बॉडी पर आइस लगा रहा था। वो बताता है कि उसे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है। देन एबिगेल उसे आइस की एक बकेट लाकर देती है जिसमें वो अपने हाथ डिप करता है। वो एबिगेल से भी सेम ऐसा करने के लिए कहता है, मगर एबिगेल बोलती है कि उसके लिए काफी ठंडा है, जिस पर रिक बताता है कि उसे ये बिल्कुल भी ठंडा नहीं लग रहा। मतलब वो टाइटन के कोल्ड टेम्परेचर में रहने के लिए तैयार हो चुका था। उसके बाद एक एक्सपेरिमेंट में ग्रुप को ऐसी जगह अंडर वाटर स्विम करवाया जाता है जहां मीथेन गैस फिल की गई थी जैसे कि टाइटन पे होने वाली थी। एंड देन उन्हें मीथेन और नाइट्रोजन ब्रीथ करवा के फील्ड में काफी देर तक भगाया जाता है और ये एक्सरसाइजेस वो लोग कुछ दिनों तक करते रहते हैं। तभी चेंजिंग रूम में रिक नोटिस करता है कि उसके बहुत सारे बाल गिर रहे हैं, जिसके बाद टैली भी उसके सर में चेक करती है तो रिक के बहुत सारे बाल उसके हाथ में आ जाते हैं। एंड सडनली उस ग्रुप की एक लेडी ब्लड वॉमिट करती है और नीचे गिरकर तड़पने लगती है। बाकी सब उसकी मदद करने की कोशिश करते हुए ऑफिशियल्स को बुलाते हैं। डॉक्टर फ्रेया वहां आकर उसे इंजेक्शन लगाने लगती है, मगर इससे पहले ही उस लेडी की डेथ हो जाती है, जिससे सब ग्रुप मेंबर्स शॉक्ड रह गए थे क्योंकि इन एक्सपेरिमेंट की हार्श रियलिटी अब सबके सामने आने लगी थी। उस रात वो सब लोग दोबारा रिक के घर पर इकट्ठे होकर इस मैटर को डिस्कस करते हैं। वहाँ एबिगेल नोटिस करती है कि सभी ग्रुप मेंबर की नर्व्स कुछ सेकंड्स के लिए प्रोमिनेंट होकर दोबारा गायब हो जाती हैं, जिसे और कोई भी नोटिस नहीं कर पाता। रेन और उसका हस्बैंड बाहर पूल में थे कि तभी अचानक से उसका हस्बैंड पैनिक होकर रेन पर अटैक कर देता है। बाकी सब जल्दी से उसे रोकते हुए रेन को बचाते हैं। शायद उसका दिमाग इन एक्सपेरिमेंट को सही से हैंडल नहीं कर पा रहा था। नेक्स्ट डे डॉक्टर फ्रेया उनके घर आकर रिक के वाइटल्स चेक करती है और बताती है कि जो लेडी कल मरी उसे किडनी स्टोन्स थे जिन्होंने एक्सपेरिमेंट्स के इफेक्ट को चेंज कर दिया और उसकी डेथ हो गई। उस रात रिक को भी ब्लड वॉमिट्स आने लगती हैं। एबिगेल उसका सैंपल ले लेती है ताकि खुद से इन्वेस्टिगेट कर सके। उसके बाद घर के दरवाजे बंद करते हुए उसे दीवार में एक लाइट ब्लिंक करती दिखाई देती है जो कि शायद कैमरा की थी। एबिगेल समझ जाती है कि उन पर नजर रखी जा रही है। दूसरी तरफ रिक स्विमिंग पूल में होता है, ये अचानक से उसके बाजू से स्किन उतरना शुरू हो जाती है। रात को सोते हुए एबिगेल देखती है कि रिक की कमर से भी स्किन उतर रही थी। अगली सुबह एबिगेल रिक का वो ब्लड सैंपल लैब ले जाकर चेक करती है तो उसे उसमें बहुत सारे कंपाउंड्स नजर आते हैं जिनका उस बुक में बताया नहीं गया था। उस दिन रिक की आई सर्जरी भी की जाती है ताकि वो अंधेरे में भी देख सके। सर्जरी के बाद रिक घर चला गया था, मगर उसे फौरन ही हॉस्पिटल वापस जाना पड़ता है क्योंकि उसकी आई से ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई थी। एबिगेल प्रोफेसर से मिलकर उसे एक्यूज करती है कि उसने उन्हें प्रोसीजर के बारे में सही से नहीं बताया। वो प्रोफेसर से कैमरा के बारे में भी पूछती है, जिस पर वो कहता है कि ये सिक्योरिटी रीजंस की वजह से लगाए गए हैं। एंड वो एबिगेल को घर भेज देता है। घर पहुंचने पर एबिगेल देखती है कि रेन के घर पर बहुत सी आर्मी वैन्स आई हैं। वो इसकी रीजन जानने के लिए जल्दी से उनके घर जाती है, मगर एक सोल्जर उसे रोक देता है। तभी अचानक कोई रेन को विंडो से बाहर फेंकता है जिससे उसकी डेथ हो जाती है। उसका हस्बैंड एक्सपेरिमेंट्स की वजह से पूरी तरह वाइल्ड हो चुका था। ये सब देखकर एबिगेल बुरी तरह परेशान हो गई थी। एक रात वो रिक का की कार्ड चुरा के चुपके से फैसिलिटी के अंदर चली जाती है। वहाँ उसे सब वॉलंटियर्स की मेडिकल फाइल्स मिलती हैं। उन फाइल में उस डेड लेडी की फाइल चेक करने पर एबिगेल को पता चलता है कि उस लेडी को किडनी स्टोन्स नहीं थे। दूसरी तरफ प्रोफेसर और उसकी टीम नासा के साथ मीटिंग कर रहे थे। वो लोग प्रोफेसर को पनिशमेंट देते हैं क्योंकि उसने प्रॉपर एविडेंस और एथिकल रीजंस के बिना ही जबरदस्ती एवोल्यूशनरी एक्सपेरिमेंट किए थे। उसे थ्रेट भी किया जाता है कि वो अपना ये ऑपरेशन बंद कर दे। एंड अगली सुबह जब वो रिक को देखने जाता है तो एबिगेल को बताता है कि उसे खुद भी अभी तक इन एक्सपेरिमेंट्स के इफेक्ट्स का पूरी तरह नहीं पता। लेकिन अब वो लोग पीछे नहीं हट सकते क्योंकि अब ये सब्जेक्ट्स ह्यूमंस की एक नई स्पीशी में बदल जाएंगे जिन्हें होमो टाइटेनियंस कहा जाएगा और ये होमो सेपियंस से बिल्कुल डिफरेंट होंगे। और क्योंकि सब लोग डिफरेंट तरह से इवॉल्व होंगे, इसलिए वो नहीं जानता कि पूरे एक्सपेरिमेंट के बाद रिक किस शक्ल में बदलेगा।
देन लेटर ऑन रिक अपनी आइज की बैंडेज खोलता है तो हैरान रह जाता है क्योंकि अब उसे अंधेरे में भी सब क्लियर दिखाई दे रहा था। अगले दिन प्रोफेसर और उसकी टीम सब्जेक्ट्स की एक वाइटल सर्जरी करते हैं मगर अनफॉर्चुनेटली टैली और रिक के अलावा सब मर जाते हैं और अब ह्यूमैनिटी का फ्यूचर उन दोनों पर ही डिपेंड करता था। एंड देन अबीगेल को भी फैसिलिटी लाया जाता है एंड वो रिक को बिल्कुल डिफरेंट क्रिएचर के रूप में देखकर सरप्राइज रह जाती है क्योंकि रिक और टैली टोटली होमो टाइटेनियंस में बदल चुके थे। वो लोग इंसानों की आवाज तो सुन सकते थे मगर उनसे बात नहीं कर पाते क्योंकि उनकी आवाज की फ्रीक्वेंसी बहुत ही ज्यादा लो थी जिसे नॉर्मल ह्यूमंस के कान डिटेक्ट नहीं कर पाते। रिक उस रात घर आ जाता है मगर उसने गलती से अबीगेल को हिट कर दिया था एंड देन वो स्विमिंग कर रहा होता है तो बाहर से एक जोर की आवाज आती है। एक्चुअली टैली रिक से मिलने आई थी और उसके साथ बहुत से गार्ड्स भी थे। यहाँ पता चलता है कि टैली ने अपने हस्बैंड को मार डाला है। सोल्जर्स उसे सेडेटिव से बेहोश करके रिक को भी ले जाने की कोशिश करते हैं मगर वो बहुत ही आसानी से सबको मार डालता है क्योंकि उसके पास अब काफी पावर आ चुकी थी। वो सिर्फ तभी रुकता है जब अबीगेल उसे रुकने का कहती है एंड देन ऑफिशियल्स उसे फैसिलिटी ले जाकर ग्लास सेल में बंद कर देते हैं। रिक अब टाइटन पर जाने के लिए तैयार था मगर अबीगेल और लोकस से उसकी इमोशनल अटैचमेंट उसे आगे बढ़ने से रोक रही थी, इसलिए ऑफिशियल्स अबीगेल से कहते हैं कि वो रिक को मेमोरीज रेस करने वाला एक कंपाउंड इंजेक्ट कर दे। एबिगेल उनकी बात मानकर ऐसा ही करती है। रिक अपना सर नहीं में हिलाकर बताने की कोशिश करता है कि वो उसे भुलाना नहीं चाहता मगर एबिगेल के पास और कोई रास्ता नहीं था। वो उसे इंजेक्शन देकर सेल से बाहर आ जाती है एंड देन लुकास और डॉक्टर फ्रिया को लेकर वहाँ से भाग जाती है और यहाँ पता चलता है कि उसने रिक को कोई और इंजेक्शन लगा दिया है ताकि वो वहाँ से भाग सके। उधर रिक बेहोशी का नाटक करके एक सोल्जर को मार डालता है जिससे बाकी सब अलर्ट हो जाते हैं मगर रिक अपनी इवॉल्वड एबिलिटीज की हेल्प से भागने में कामयाब हो जाता है एंड देन वो एक लैब में अपनी बीवी और बेटे से मिलता है मगर जल्द ही बहुत से सोल्जर्स उसे घेर लेते हैं और प्रोफेसर अबीगेल को समझाता है कि रिक की एवोल्यूशन अब रिवर्स नहीं हो सकती। वो कभी भी दोबारा नॉर्मल इंसान नहीं बन सकेगा। उसके सर्वाइव करने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि वो टाइटन पर चला जाए। ये सुनकर एबिगेल समझ जाती है कि वो अपने हस्बैंड को खो चुकी है, इसलिए वो उसके सर्वाइवल की खातिर उसे भेजने के लिए मान जाती है। अगले सीन में हम उन्हें एयरप्लेन में देखते हैं जहां रिक को एक बॉडी बैग में लिटाकर टाइटन भेजने के लिए ले जाया जा रहा था। उसके बाद हमें कुछ महीनों बाद का टाइम दिखाया जाता है जहां अनएथिकल मेथड्स को यूज करने की वजह से प्रोफेसर को अरेस्ट कर लिया गया था। एबिगेल और फ्रिया को टाइटन 2 फैसिलिटी में ले जाया जाता है जहां लुकास अबीगेल को बाहर बुलाता है रात में खुला आसमान देखने के लिए। एंड देन दूर कहीं गैलेक्सी में हम रिक को टाइटन की माउंटेन्स पर खड़ा देखते हैं। उसने वहां का एनवायरनमेंट पूरी तरह अडॉप्ट कर लिया था। वो अपनी वेब डॉम्स को फैलाकर आसमान में उड़ने लगता है और इसके साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।